नमस्कार। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस चैप्टर में हम लोग आज डिस्कस करेंगे अभिगणनांक को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट नंबर। पिछले क्लास में हमने डिस्कस कर दिया था कि भाई ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है, इसकी किस तरह इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो अब डिस्कस करेंगे ये जो ट्रांसपोर्ट नंबर है इसको कौन कौन प्रभावित कर सकता है। तो जैसे हम एक टेबुलेशन में देख रहे हैं कि वन एन सांद्रता के विलयनों में धनायनों के अभिगणनांक के मान है, जैसे एच सी एल है 0.881, लिथियम क्लोराइड का 0.317, NaCl का 0.385, KCl का 0.490, इस तरह से। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इनकी क्यों वैल्यू है, वो किस तरह एक दूसरे से प्रभावित होती है। तो अभिगणनांक के का मान प्रयुक्त विद्युत धारा के मान पर निर्भर नहीं करता है कि विद्युत धारा हम जो प्रभावित कर रहे हैं उसके ऊपर निर्भर नहीं करता है। विद्युत अपघट्य की सांद्रता परिवर्तन से, विद्युत अपघट्य की हम सांद्रता परिवर्तन कर देंगे तो सांद्रता परिवर्तन करने की वजह से इसका मान में विद्युत परिवर्तन करने से आयनों के अभिगमनांकों के मान में बहुत कम ही कम परिवर्तन होता है। आर्गेनेटर ने इसको परिभाषित कर दिया है, किसी सांद्रता वाले विलयन में यदि किसी आयन के अभिगमनांक टीआई के लिए निम्न सूत्र मानी कि टीआई इन्फिनिटिव यानी माइनस ए अपॉन अंडर द रूट ऑफ सी, अतः टी इन्फिनिटिव उस आयन की अनंत तनुता का अभिगमनांक है तथा ए पर ए एक स्थिरांक है। ताप का प्रभाव यानी ताप बढ़ाने पर टी प्लस और टी माइनस के मान बदलते हैं, टी प्लस और टी माइनस के मान 0.05 की रेंज में रहते हैं। इस प्रकार उच्च तापों में धनायन और ऋणायनों के अभिगमनांक के मान भी लगभग समान होते हैं क्योंकि उच्च ताप पर आयनों के समान प्रकृति गति करने की प्रवृत्ति होती है। विद्युत अपघट्य की प्रवृत्ति क्योंकि टी प्लस यू अपॉन यू प्लस यू वी व धनायन का अभिगमनांक धनायन के वेग यू पर निर्भर करता है और विद्युत अपघट्य में इसके साथ उपस्थित ऋणायनों के वेग v पर निर्भर करता है। इस प्रकार का मान उपस्थित धनायनों के वेग पर भी निर्भर करता है, अर्थात उदाहरण के लिए NaCl में C- माइनस का अभिगमनांक 0.604 अतः HCl में Cl- माइनस का अभिगमनांक 0.161661 प्राप्त होता है। HCl में Cl का अभिगमनांक कम करने के कारण यह है कि Na+ आयन की तुलना में H+ आयनों का वेग कहीं अधिक होता है। HCl में अधिकांश धारा H+ द्वारा ही लाई जाती है और Cl का अंश बहुत ही कम होता है। आयनों का जलयोजन करते हैं तो अधिक जलयोजन होने पर आयनों के आकार वृद्ध हो जाते हैं, मानी बड़ा हो जाता है, वह इसके फलत उसकी गति कम हो जाती है जिससे अभिगमनांक भी कम होता है। जैसे लिथियम क्लोराइड में NaCl और सोडियम क्लोराइड में लिथियम प्लस और सोडियम प्लस और KCl में अभिगमनांक देखिए तो इनकी आयनों की साइज होती है 0.329, 0.92, 0.490। तो लिथियम उच्च विभव आईपी इससे ज्यादा होने के कारण अधिक जलयोजित होता है, अतः इसका मान इसका कम होता है। के प्लस का मान जलयोजित होने से उसकी गति अधिक होती है, फलत इसका अभिगमनांक का मान भी अधिक होगा। जटिल आयन बन गया, मानी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बन गया। उच्च सांद्रता वाले विलयनों में कुछ आयनों के अभिगमनांक को मान असामान्य होते हैं, उदाहरण के लिए अधिक सांद्रता में अभिगमनांक शून्य है, ऋणायनों का मान एक से अधिक आता है। इसका कारण है कि सांद्र विलयनों में जटिल यौगिक बनते हैं, जैसे कैडमियम है, कैडमियम जो है वो आयोडाइड के साथ रिएक्शन करके कैडमियम आयोडाइड का एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। इस प्रकार सांद्र विलयन में कैडमियम मुक्त आयन के रूप में साथ ही ऋणायन में उपस्थित होता है, मुक्त आयन कैथोड की ओर और मुक्त आयन कैथोड और एनोड की ओर गति करता है। इस कारण से ऋणायन और इकाई का मान अधिक प्राप्त होता है। आयनों की स्पीड क्या होगी, गति क्या होगी, आयनों की स्पीड और आयनिक गतिशीलता में क्या रिलेशनशिप है? विलयन में किसी भी आयन की गति विद्युत प्रवणता का अनुमापन करती है। एक वोल्ट प्रति सेंटीमीटर विद्युत प्रवणता वाले विलयन में आयनों की सेंटीमीटर प्रति सेकंड में गति को ही आयनों की आयनिक गतिशीलता कहते हैं। इसकी इकाई सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर इनवर्स मानी वोल्ट इनवर्स होती है, अतः अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालक आयनिक चालकता व मानों के आयनों की गति भी समानुपाती होती है, अतः आयनिक गतिशीलता के भी समानुपाती होती है। इसके मध्य निम्न प्रकार के संबंध को हम डिफाइन करते हैं, लैम्डा इन्फिनिटिव प्लस माइनस इक्वल टू क्या हो गया, यू इन्फिनिटिव लैम्डा की एफ इसको अगर दे तो समानुपाती स्थिरांक दे दिया एफ लैम्डा यू, यू धनायन की अनंत तनुता पर आयनिक गतिशीलता है, एफ समानुपाती स्थिरांक है जिसको फैराडे से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो होता है ऋणायन की अनंत तनुता पर आयनिक गतिशीलता जो लैम्डा माइनस अपॉन एफ, इस प्रकार आयनिक गतिशीलता का मान तुल्यांकी आयनिक चालकता में फेराइडे अथवा
96500 कूलाम का भाग देकर ज्ञात किया जा सकता है, जिसको हम एक टेबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे H प्लस इसकी ये होगी 36 पॉइंट, लिथियम की, सोडियम की, पोटेशियम की, इसी तरह से रेनाइनो की OH की 0.20.50, फ्लोराइड की 5.70, क्लोराइड की 7.90, ब्रोमाइड की 8.13, इस तरह से ये टेबुलेशन फॉर्म में इनकी तन्यता दिखा सकते हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ द कंडक्टिविटी, चालकता का क्या मापन का क्या एप्लीकेशन है? किसी द्रुबल विद्युत अपघट्य के सी सांद्रता वाले विलयन में विद्युत अपघट्य की वियोजन की मात्रा निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे लैम्डा सी इज इक्वल टू सी सांद्रता वाले विलयन की तुल्यांकी चालकता, लैम्डा सी अपॉन अनंत तन्यता पर विलयन की तुल्यांकी चालकता, लैम्डा इन्फिनिटी। लैम्डा सी अल्फा सी इज इक्वल टू लैम्डा सी अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी प्लस लैम्डा इन्फिनिटी माइनस। लैम्डा इन्फिनिटी का मान कोल्ड-कोरंज नियम की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है, जबकि को इसको सत्यापन भी कर सकते हैं। अम्ल का निर्धारण करने के लिए हम एसिटिक एसिड की आयनन करते हैं, CH3COOH, CH3COOH और H+ में टूट रहा है। प्रारंभ में सी सांद्रता, इसकी सांद्रता सी है, इसकी जीरो है। कुछ समय बाद अल्फा मोल वियोजित हो जाते हैं, तो सी वन माइनस अल्फा इक्वल टू सी अल्फा। एसिटिक एसिड की हमने जब वियोजन स्थिरांक निकाल रहे हैं, तो CH3COOH माइनस और CH+ अपॉन CH3COOH सी एल्फा डॉट सी एल्फा वन सी वन माइनस एल्फा सी एल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस एल्फा। पर एसिडिक एसिड के लिए वियोजन की मात्रा एल्फा इज इक्वल टू लैम्डा सी अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी। इस प्रकार का मान समीकरण में हम द्वारा ज्ञात कर दिया जा सकता है। अल्प विलेय लवणों की विलेयता का निर्धारण कैसे करेंगे? यदि अल्प विलेय लवणों की विलेयता ज्ञात करनी होती है, तो उसे ताजा उपक्षेप को धोकर चलायक जल में मानी कंडक्टिविटी वाटर में धोया जाता है, गर्म किया जाता है, तथा विलयन को तब तक ठंडा किया जाता है जबकि उसकी विलेयता लवण में विलेयता रहती है। इसके अनुसार जब जल को घुलकर संतृप्त विलयन बनेगा, तो शेष मात्रा नीचे बैठ जाएगी। इस संतृप्त विलयन की विशिष्ट चालकता मापने का काम आती है। अतः माना चालकता जल की विशिष्ट चालकता है। उसे घुले हुए या विलय हुए लवण की विशिष्ट चालकता, यदि लवण की विलेयता ग्राम तुल्यांकी भार प्रति लीटर है, तो तुल्यांकी चालकता लैम्डा सी व्यक्त करते हैं। लैम्डा इन्फिनिटी 1000 केएस माइनस केएच2 अपॉन सी, क्योंकि लवण अल्प विलय है, अतः विलयन अत्यंत तनु होगा, अतः उसकी तुल्यांकी चालकता को अनंत तनुता की चालकता माना जा सकता है। अतः लैम्डा इन्फिनिटी 1000 के एस माइनस के एच2 अपॉन सी। इस समीकरण के द्वारा कोल्ड-कोरंज के नियम के दोनों को जोड़ देंगे, सी इक्वल टू एम एल। इस प्रकार विशिष्ट चालकता, चालकता जल की विशिष्ट चालकता माप कर और ज्ञात करके उसकी नॉर्मलता को ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि जल की तुल्य आयनिक गुणनफल कैसे ज्ञात करेंगे। शुद्ध जल जब दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है, तो अल्प मात्रा में निम्न प्रकार वियोजित होता है, H2H+ और OH- में टूटता है, kW = H+ और OH-। जल को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल की विशिष्ट चालकता k का मान ज्ञात करने पर वह ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स पाया गया, तो लैम्डा इक्वल टू तुल्यांकी चालकता 1000 k / c, c इक्वल टू 1000 k / लैम्डा। क्योंकि शुद्ध जल में आयनों की सांद्रताएं बहुत कम होती है, अतः हम इसके कारण तुल्यांकी चालकता को अनंत तन्यता पर तुल्यांकी चालकता मान सकते हैं। कोल्ड-कोरंज के नियम अनुसार लैम्डा इन्फिनिटी H2O, लैम्डा इन्फिनिटी H+ और OH- 349.8198 इसकी 548.4 ओम सेंटीमीटर और कूलाम में इसका रिजल्ट आ जाता है। C इक्वल टू ये हम वापस क्रम करके तन्यता निकालने पर 1.03 ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर। क्योंकि शुद्ध जल में आयनों की संख्या बराबर होती है, तो H+ इक्वल टू OH- तो 1.01 × 10⁻⁷ तुल्यांकी भार किसका होगा, जितना H+ का होगा उतना ही OH का होगा। क्योंकि ये आयन एक संयोजी है, अतः ग्राम तुल्यांक इक्वल टू ग्राम मोल, अतः प्रत्येक की सांद्रता 1.01 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होती है। kW इक्वल टू 1.01 × 10⁻⁷1.02 × 10⁻⁴ मानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसके द्वारा हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अब एक लवण है, लवण का जल अपघटन स्थिरांक किस तरह ज्ञात करेंगे? अगर लवण है तो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का एक लवण लेते हैं हम, जिसे BA नाम दे दिया उसको, BA प्लस H2O में इसका बनाते हैं, तो BOH और HA बना जाता है, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार बन जाता है। तो B प्लस A माइनस इस प्लस H2O, BOH प्लस H प्लस A माइनस B H2O, इस तरह से स्टार्ट में एक मोल था 0.0,
उसके बाद में एच इसकी मात्रा वियोजित हो गई तो एच एच हो गया और इसकी वन माइनस एच हो गया। एच लवण भी जल अपघटन की मात्रा है क्योंकि बना हुआ जो दुर्बल सार है वो दुर्बल है, अतः इसे हम लगभग आयनित मान सकते हैं। अर्थात लवण विलेयता की चालकता में इस क्षार का योगदान नगण्य होता है, अतः लवण विलयन की चालकता जल अपघटित लवण वन माइनस एच तुल्यांक वह बने हुए अम्ल एच तुल्यांक के कारण होती है। लैम्डा इज इक्वल टू 1 माइनस एच लैम्डा बी ए प्लस एच लैम्डा इनफिनिटी एच ए, तो एच इज इक्वल टू अल्फा लैम्डा माइनस लैम्डा बी ए अपॉन लैम्डा इनफिनिटी एच ए माइनस लैम्डा बी ए। यहां बना अम्ल चूंकि प्रबल है अतः ये पूर्ण आयनित होता है, इसकी तुल्यांकी चालकता को अनंत तुल्यता पर तुल्यांकी चालकता मान सकते हैं। कालराउंस के नियम अनुसार इसे हम ज्ञात करते हैं कि लैम्डा लवण लैम्डा क्या हो गया लवण के नियम की कुल तुल्यांकी चालकता जिसे लवण की विलेयता का विशिष्ट मापन कर ज्ञात किया जा सकता है। लैम्डा बी ए जल अनपघटित लवण है, बी ए तुल्यांकी चालकता है, इसे मापने के लिए लवण की विलयन में काफी मात्रा में दुर्बल क्षार मिलाया जाता है जिससे कि समीकरण द्वारा साम्य बाईं ओर खिसक जाता है और लवण का जल अपघटन अब उतना कम हो जाता है कि जिसको बोलते हैं कि इस स्थिति में लवण के लगभग हम अनअपघटित मान सकते हैं कि अधिक्य में इस लवण की तुल्यांक की चालकता ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि जल अपघटन नियतांक जहां C इज इक्वल टू लवण विलयन की सांद्रता वो H का मान रखकर ज्ञात किया जा सकता है। अब कंडक्टिविटी टाइटेशन कैसे होती है? अनुमापन में चालकता मापन द्वारा अंतिम बिंदु को एंड पॉइंट को ज्ञात करने की विधि को चालकता अनुमापन कहते हैं। चालकता सेल में अनुमापन टाइट्रेट का विलयन लेकर उसमें 5 गुना अधिक सांद्रता वाले विलापन विलयन विरेट की सहायता से थोड़ा थोड़ा मिलाया जाता है। अनुमापन मिलाने के बाद वो हर बार चालकता ब्रिज की सहायता से चालकता मापी जाती है जो पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रक्षेपित चालकता में तनुता प्रभाव को सही करने के लिए वी प्लस एक्स अपॉन वी से गुणा करके संशोधित चालकता ज्ञात की जा सकती है। जहां अनुमापन का आयतन वो मिलाई जाने अनुमापन का आयतन संशोधित चालकता सी वी प्लस एक्स अपॉन वी सी यहाँ पर अपेक्षित चालकता है। संशोधित चालकता सी को मिलाई दे अनुमापन आयतन के विरुद्ध आलेख हम बनाते हैं, अतः अंत बिंदु से पहले और बाद में विलयन की चालकता परिवर्तन को प्रवृत्ति अलग होती है। अतः आलेख में अंत बिंदु से पहले और बाद की स्थिति के लिए अलग अलग सीधी रेखाएं प्राप्त होती है। इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेदन रेखा बिंदु अनुमापन और अत्यंत बिंदु दर्शाते हैं। इस बिंदु में संगत अनुमापन का आयतन ज्ञात करने पर करके अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात की जा सकती है। जैसे ये दो प्रकार की होती है अम्ल क्षार अनुमापन और अपक्षेपण अनुमापन। अम्ल क्षार कैसे होगा? इसमें एक अम्ल होगा एक क्षार होगा। तो प्रबल अम्लो प्रबल क्षार अनुमापन में अम्ल की चालकता सेल लेते हैं, ब्यूरेट में 5 गुना सांद्र विलयन में अम्ल मिलाया जाता है, मैंने एच प्लस एच सी एल प्लस एनओएच की अनुमापन किया जाता है। तो H प्लस सी एल माइनस एन ए प्लस ओ एच माइनस इजकल टू एन ए प्लस सी एल माइनस और एच टू बन जाता है। ये इसके लिए, वो इसके लिए और एक बिंदु बनता है, इसको अनुमापन के एंड पॉइंट इसको दिखा दिया जाता है। प्रारंभ में विलयन की चालकता और आयनों के कारण जैसे जैसे क्षार मिलाया जाता है अधिक गतिशील आयन आयतन की क्रिया कर अनायनित बना लेते हैं। अधिक गतिशीलता आयनों के स्थान पर विलयन में मंद गति वाले एन प्लस आयन आ जाते हैं जिसे अनुमापन चालकता के मिश्रण कम हो जाता है। अत्यंत बिंदु पर अंत बिंदु पर जो एंड पॉइंट है चालकता न्यूनतम होती है क्योंकि समस्त H प्लस आयन की जगह अब मिश्रण में आगे होते हैं। अंत एंड पॉइंट के बाद NaOH मिलाने पर अब गतिशीलता आ जाती है जिससे चालकता बढ़ती है। NaOH की क्रमशः अधिक मात्रा मिलाने से चालकता बढ़ती जाएगी। इस प्रकार चालकता व आयतन आरेख में दो सरल रेखाएं प्राप्त होगी जो काटती है के संगत मात्रा में चालकता सेल में लिए जाने को उदासीन करने के काम आती है। प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार अनुमापन, इसमें प्रबल अम्ल ले लिया एक तरफ, दूसरी कंडीशन में दुर्बल क्षार ले लिया। इस अनुमापन चालकता सेल में लेते हैं 5 गुना सांद्र क्षार इसमें मिलाया जाता है ब्यूरेट की सहायता से। H प्लस हो गया और NH4 OH हो गया, इनके बीच में कंडीशन टाइटेशन, इसमें चालकता और क्षार के बीच में टाइटेशन करते हैं और ये जो वाले टाइटेशन होते हैं इसको प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार अनुमापन आलेख कहते हैं। अधिक गतिशील आयनों का स्थान मंद गति वाले आयन द्वारा लेने की मिश्रण की चालकता कम होती है, अतः बिंदु की पश्चात क्षार मिलने पर चालकता में वृद्धि नगण्य होती है क्योंकि क्षार बिंदु दुर्बल होने से मुक्त आयन नहीं मिलते हैं। तीसरा आता है दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, माने कॉम्बिनेशन बनाना है हमारे को। अम्ल की चालकता ज्ञात करते हैं तो CH3CWH प्लस Na प्लस और OH माइनस, तो CH3CWH प्लस Na प्लस और H2। इसमें जो चालकता आरेख मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा। दुर्बल अम्ल होने के कारण इसकी चालकता कम होती है, जैसे क्षार मिलाते हैं
प्रबल विद्युत अपघट्य बनता है जिसके पूर्णतः आयनन के कारण मिश्रण की चालकता बढ़ती है। अत्यंत एंड मतलब एंड पॉइंट के पश्चात मिलने के आयन प्राप्त होते हैं जिससे अधिक गतिशीलता के कारण मिश्रण की चालकता में तीव्रवृद्धि होती है। अब आता है दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। CH3CWH plus NH4OH CH3CW minus NH4 plus OH2O। इस कंडीशन में चालकता और क्षार का आयतन, प्रारंभिक चालकता सेल में लिया गया, दुर्बल अम्ल दुर्बल होने के कारण चालकता कम होती है, पर जैसे जैसे इसमें ब्यूरेट में से क्षार मिलाया जाता है तो प्रबल विद्युत अपघट्य अमोनियम एसीटेट बनता है जो उच्च आयनिक मात्रा के कारण मिश्रण की चालकता को बढ़ा देता है। इस प्रकार क्षार मिलाने से अधिक लवण बनता है जिससे आयनन के कारण मिश्रण की चालकता बढ़ती है। अत्यंत एंड पॉइंट के बाद क्षार मिलाने पर चालकता में बहुत कम परिवर्तन होता है, अतः क्षार के दुर्बल होने से इसमें आयनन बहुत कम होता है और मुक्त बहुत कम मात्रा में हो पाती है। अक्षेपण की बात करें तो अक्षेपण में क्या करते हैं, जैसे Ag1 में दूसरा मिलाया और PPT बन गया, Ag प्लस AgNO3 प्लस KCl मिलाया तो Ag प्लस और AgCl का अक्षेपण हो गया, इसको अक्षेपण अनंत बिंदु एंड पॉइंट बन जाता है। चालकता सेल में सिल्वर नाइट्रेट विलयन की निश्चित मात्रा लेकर उसमें ब्यूरेट की सहायता से सांद्र विलयन मिलाया जाता है। चालक प्रारंभिक चालकता के कारण मिलाने पर आयनों के स्थान पर आयन आ जाते हैं और चूंकि अन्य इन दोनों आयनों की गतिशीलता लगभग समान होती है तब मिश्रण की चालकता में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। एंड पॉइंट के पश्चात मिलाने पर मिश्रण में आ जाने के कारण चालकता में वृद्धि होती है। इस प्रकार एंड पॉइंट से पहले रेखा और बाद की रेखा प्राप्त होती है जो एक्स पर काटती है और उसे एक्स को हम क्या कहते हैं, ये वाली स्थिति जो बनती है कि ये रेखा इधर चलेगी, ये रेखा चलेगी, बीच का जो पॉइंट बनेगा उसको हम एंड पॉइंट कहते हैं। एडवांटेज ऑफ कंडक्टिविटी टाइटेशन, तनु विलयन का अनुमापन किया जा सकता है। रंगीन विलयन जिसमें डाई का डाई शिफ्ट का अनुमापन किया जा सकता है जहां एंड पॉइंट निर्धारण करने में साधारण सूचक काम में प्रयुक्त नहीं किए जा सकते। दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार का अनुमापन कर सकते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का अनुमापन कर सकते हैं। क्योंकि अंत बिंदु यानी एंड पॉइंट पर आरेख विधि प्राप्त होती है तो अंत बिंदु से पहले और बाद में कुछ पर्याप्त मान होते हैं तो अनंत बिंदु सावधानी बरतने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि लास्ट में पता लग जाता है यहाँ पर हमारा एंड पॉइंट आने वाला। जटिल स्पीसीज की विलयन में उपस्थिति तथा उसका स्थायित्व स्थिरांक ज्ञात किया जा सकता है। किसी भी क्रिया में मरे उसकी केमिकल काइनेटिक्स का निर्धारण किया जा सकता है, ये इसके एडवांटेज है। तो धन्यवाद।